हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे जीके के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की। सभी क्वेश्चन से ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चन, जूनियर इंजीनियर ऑनलाइन एग्जाम्स के सेट चल रहे, अपना सेट नंबर 4 है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि द फुटबॉल प्लेयर हैज टू लीव द फील्ड इफ द रेफरी शो हिम। यदि फुटबॉल प्लेयर है उसको मैदान छोड़ना ही पड़ेगा यदि रेफरी होता है उसको एक दिखा देता है। किस प्रकार का कार्ड उसको दिखाएगा फुटबॉल प्लेयर को, तो उसको मैदान छोड़ना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। यानी कुल मिला के बात करें तो मैदान के अंदर अनुशासन बनाने के लिए, ढंग से मैच खेलने के लिए एक रेफरी होता है, कार्ड दिखाते हैं, वार्निंग देते हैं। तो आपको बताना कि कौन सा वो कार्ड होता है जिसको दिखाने के बाद में वो मैच छोड़ेगा। तो ग्रीन कार्ड छोड़ने पे, ग्रीन का मतलब तो ग्रीन सिग्नल मिलना है। थोड़ा अगर अपन तुक्का भी मारे तो ग्रीन कार्ड तो इम्पॉसिबल है। येलो कार्ड वंस, ग्रीन कार्ड ट्वाइस। ग्रीन कार्ड तो अपन लगाएंगे नहीं, थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाते हैं तो येलो कार्ड ट्वाइस और रेड कार्ड वंस, तो अपना करेक्ट आंसर जाएगा ये, फोर्थ नंबर करेक्ट आंसर बनेगा। येलो कार्ड दो बार दिखाता है, फर्स्ट बार दिखाएगा तो यानी उसको वार्निंग दे रहा है, सेकंड बार दिखा रहा है तो इसका मतलब उसको मैच वो फील्ड छोड़ना ही पड़ेगा। यदि रेड कार्ड डायरेक्ट दिखा देता है एक बार ही, तो यानी उसको मैदान छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन एन इंडिविजुअल कैपेसिटी वाज। पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाले इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल जीतने वाले फर्स्ट भारतीय कौन थे। आंसर है अभिनव बिंद्रा, मिल्खा सिंह, पीटी उषा, विजेंद्र कुमार। तो दिए गए ऑप्शन में से आंसर क्या बनेगा, अभिनव बिंद्रा अपना करेक्ट आंसर बनेगा, ए बी। इन्होंने सर्वप्रथम गोल्ड जीता था 2008 के अंदर, जो बीजिंग ओलंपिक्स हो रहे थे, बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर। क्वेश्चन एडिट होके आ सकता है, किसमें जीता था आपको बताना कि बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर अभिनव बिंद्रा, और ये क्या था, शूटर है, 10 मीटर राइफल शूटर के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ए मैक्सिमम ऑफ हाउ मैनी पार्टनर्स कैन ए ट्रेडिंग बिजनेस फर्म हैव अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत कितने पार्टनर्स, कितने साझेदार एक ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर, ध्यान दीजिए ट्रेडिंग बिजनेस फर्म है उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। कुल मिला के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत ट्रेडिंग बिजनेस फर्म के अंदर कितने मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं आपको बताना है। यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। ये यदि ट्रेडिंग बिजनेस की जब बैंकिंग होता ओनली यहाँ पे, तो अब आपका आंसर होता 10। बैंकिंग सर्विस के अंदर ओनली मैक्सिमम 10 कैंडिडेट है साझेदार बन सकते हैं, जबकि जो ट्रेडिंग बिजनेस है उसके अंदर 20 कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये किसके तहत है, 1956 एक्ट के तहत, ध्यान दीजिएगा 1956 एक्ट के तहत। वी आर एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड बिकॉज, हम धरती के ऊपर चलना हमारा पॉसिबल है, किसकी वजह से पॉसिबल है आपको बताना है। वी आर एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ, ग्राउंड पर चलना पॉसिबल किसकी वजह से, ऑब्वियसली एक्शन के विपरीत रिएक्शन, यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया से, फ्रिक्शन यानी घर्षण की वजह से चलना पॉसिबल है। यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ए गेम ऑफ बैडमिंटन, बैडमिंटन के खेल के लिए दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। टोटल पॉइंट्स टू बी स्कोर्ड आर 21, बैडमिंटन के खेल के अंदर टोटल पॉइंट्स स्कोर करना 21 जरूरी है, बिल्कुल पहला सही है। इफ बोथ साइड्स स्कोर अप टू गेम पॉइंट, यदि दोनों हैं गेम पॉइंट स्कोर कर लेते हैं 21-21, द विनर नीड टू क्लियर पॉइंट इन ए रो, तो विनर है उसको एक बार में 2 पॉइंट क्लियर करने पड़ेंगे, तो ये भी सही है। द गेम नेवर एंड इन ड्रा, ड्रा मैच के अंदर कभी भी गेम समाप्त नहीं होगा, ये भी सही है। टोटल पॉइंट्स टू बी स्कोर्ड 15, तो 15 नहीं हो सकते 21 होएगा, तो ये स्टेटमेंट अपना गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पैरा ओलंपिक्स इज ए मल्टी स्पोर्ट इवेंट इन्वॉल्विंग दोज एथलीट्स हु आर, पैरा ओलंपिक होते हैं एक मल्टी स्पोर्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर एथलीट्स होते हैं भाग लेते हैं, जो कौन से एथलीट होते हैं वो भाग लेंगे। ओनली विजुअली चैलेंज्ड, क्या ओनली जो विजुअली चैलेंज्ड है वो लेंगे, या हियरिंग इम्पेयर्ड है वो लेंगे, या जो मेंटली चैलेंज्ड है वो लेंगे, या विद ए रेंज ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, जो फिजिकल डिसेबिलिटी के तहत एक रेंज के तहत डिसेबल है वो लेंगे, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे ऑप्शन के साथ में, ये अपना करेक्ट आंसर होएगा। ध्यान दीजिएगा पैरा ओलंपिक्स के अंदर बात की गई है, तो अगर बात करें फर्स्ट टाइम भारत ने 1968 के अंदर ही मैच खेला था, पैरा ओलंपिक्स में भाग लिया था भारत ने 1968 के अंदर, और फर्स्ट जो गोल्ड मेडल मिला था भारत को वो मिला था 1972 के अंदर। वुज सेइंग, किसने कहा था, अर्थ हैज एन फॉर मैंस नीड, पृथ्वी है
उसके पास आदमी की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त है बट नॉट एन फॉर मैंस ग्रीड, लेकिन आदमी के लालच के लिए पर्याप्त नहीं है। इज ऑफ्टन बींग कोटेड बाय स्पीकर ऑन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के संदर्भ में ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये स्टेटमेंट दिया गया था कि पृथ्वी के ऊपर बहुत से साधन हैं आदमी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन उसके लालच के लिए नहीं है। तो ये कहा था एनवायरनमेंटलिस्ट, ये अपने महात्मा गांधी, द फादर ऑफ आवर नेशन, अपना आंसर जगह महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्री कॉल्ड लैंड ऑफ द राइजिंग सन, राइजिंग सन यानी उगते हुए सूर्य के लिए कौन से कंट्री को कहा जाता है? उगते हुए सूर्य की धरती है, किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन है चाइना, नॉर्वे, जापान और स्वीडन। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान, ठीक है, जापान करेक्ट आंसर हो गया। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्वे के अंदर, ठीक है। द टर्म कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम नामक एक शब्द है, वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में देखा गया था। विद विच फील्ड इज द टर्म एसोसिएटेड, किस फील्ड के साथ में ये टर्म एसोसिएटेड है? देखो, एजुकेशन, जुडिशरी, पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, तो अपना आंसर हो जाएगा जुडिशरी के साथ में। कोर्ट्स होते हैं, अदालतें होती हैं, उसके अंदर जज की नियुक्ति होती है, वो आजकल कॉलेजियम सिस्टम के तहत की जाती है। तो ये किससे रिलेटेड है? जुडिशरी से रिलेटेड। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिड डे मील स्कीम इन स्कूल लॉन्च बाय द गवर्नमेंट, स्कूल के अंदर जो मिड डे मील स्कीम चल रही है उससे रिलेटेड दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है उससे रिलेटेड नहीं है? प्रोवाइड फुल न्यूट्रिशन सपोर्ट टू चिल्ड्रेन एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल एजुकेशन की जो प्राइमरी स्टेज तक बच्चों को फुल न्यूट्रिशन सपोर्ट करवाना, बिल्कुल अच्छे अच्छे भोजन देना, दालें वगैरह। Encourage disadvantaged section of the society to attend school regularly and concentrate on studies. मतलब जो डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी का, स्कूल को रेगुलर अटेंड करने में या उनको स्टडी के प्रति कंसंट्रेट है उसको बढ़ाने के लिए, बिल्कुल ये भी सही है। इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रेन, प्राइमरी सेक्शन के अंदर बच्चों के अंदर जो भी न्यूट्रिशन स्टेटस है उसको इम्प्रूव करना। ब्रिज द जेंडर एंड सोशल कैटेगरी गैप्स, क्या जेंडर यानी लिंगानुपात और सोशल कैटेगरी है उनके ब्रिज को खत्म करना या उनके बीच में ब्रिज बनाना या गैप को खत्म करना? नहीं, इनसे कोई रिलेटेड नहीं है, क्या सोशल कैटेगरी गैप है या क्या उनका जेंडर है, तो ये अपना आंसर गलत हो जाएगा, चौथा अपना इसमें करेक्ट बनेगा, ठीक है। विच वन आउट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स हैविंग कंप्लीट फ्रीडम एंड बींग द सुप्रीम अथॉरिटी, दिए गए ऑप्शन में से किस में ये है वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, जिसका मतलब है हैविंग कंप्लीट फ्रीडम एंड बींग द सुप्रीम अथॉरिटी, दिए गए ऑप्शन में किसके तहत है इंसान को, कैंडिडेट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है कंप्लीट फ्रीडम और सुप्रीम अथॉरिटी देता है, किसके अंदर देगा? सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, सोवरेनिटी या लिबर्टी, किसके अंदर देगा? तो ये देगा, अपना आंसर हो जाएगा सोवरेनिटी, इसको बोलेंगे अपना सार्वभौमिकता, हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है देर आर टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की दो फॉर्म्स होती है, एक तो प्रेजिडेंशियल होती है, एक होती है पार्लियामेंट्री, संसदीय और राष्ट्रपति है। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डू इंडिया, यूएस, इंग्लैंड, इंडिया, यूएस और इंग्लैंड के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था बतानी है वो? देखो, इंडिया के अंदर पार्लियामेंट चलती है, तो इंडिया के अंदर पार्लियामेंट हो गई, ठीक है। बात करें अमेरिका के अंदर क्या होता है, अमेरिका के अंदर प्रेजिडेंशियल ही सर्वसत्ताधारी होता है, तो यूएस के अंदर प्रेजिडेंशियल होएगा, ठीक। इंग्लैंड के अंदर क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा, तीसरा बनेगा इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बिल्कुल पार्लियामेंट्री हो गया, इंग्लैंड के अंदर पार्लियामेंट्री, मतलब इंडिया और इंग्लैंड के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम और अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति सिस्टम है प्रेजिडेंशियल। ऑफ द स्लेव पॉपुलेशन स्केटर्ड इन ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप के अंदर जो स्लेव पॉपुलेशन स्केटर्ड है, दोज हु बिगन द पान स्लाव मूवमेंट टू हैव वन स्टेट वर, मतलब दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि किसके अंदर जिस एक आंदोलन चला था स्लेव पॉपुलेशन स्केटर्ड आंदोलन था, स्लेव पॉपुलेशन स्केटर्ड किसके अंदर, ईस्टर्न यूरोप के अंदर, दोज हु बिगन द पान स्लाव मूवमेंट, जिन्होंने पान स्लेव मूवमेंट चलाया था टू हैव वन स्टेट वर, कौन से स्टेट के थे वो? तो सर्बियन, बुल्गेरियंस, रोमानियंस या पोलियंस, तो अपना आंसर हो जाएगा सर्बियंस, इन्होंने यह आंदोलन चलाया था पान स्लेव मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्ड द पिरामिड्स, पिरामिड्स किसने बनाए थे? ऑप्शन है फराओज, चाइनीज, कन्फ्यूशियंस, रोमांस, तो ये बनवाए थे फराओज, और जो इसके अंदर
इमारतें होती है, पिरामिड्स हैं, ये बनाए थे इजिप्त होते हैं, मिस्र होते हैं, उसके अंदर इन लोगों ने बनाए थे। और इनके अंदर जो होती है डेड बॉडीज़ को रखा जाता है, उनको बोल देते हैं मम्मी। द किंग ऑफ मौर्या एम्पायर, मौर्य एम्पायर के कौन से राजा थे, हु इन 322 BC अपरूटेड ग्रीक फ्रॉम पंजाब एंड नंदा फ्रॉम द गैंगेटिक प्लान वाज। 332 BC के अंदर यानी ग्रीक्स को पंजाब से उखाड़ दिया था, और नंदा जो है उनको जो गैंगेटिक प्लान है वहाँ से उखाड़ दिया था। तो उन मौर्य एम्पायर का अपने को नाम बताना है जिन्होंने इनको यहाँ से भगा दिया था, सफाया कर दिया था। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या महापदनम। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त के साथ में। हु इज नॉट ट्रू अबाउट द थार डेजर्ट, थार डेजर्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन के अंदर अपना जो हो जाएगा आंसर सीधा थर्ड यही सही हो जाएगा। ये नहीं है, वाटर इज अवेलेबल इन सेंड्यूट्स एंड स्ट्रीम्स विच आर ऑलवेज देयर इवन विदाउट रेनफॉल, वहाँ पे बिना किसी रेनफॉल के भी वाटर एनी टाइम अवेलेबल रहता है, ये स्टेटमेंट गलत है थार डेजर्ट के बारे में। वाट इज़ हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट क्या है, यानी वहाँ पे एक ऐसा रीजन जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई मात्रा के अंदर अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए रीजन ऑफ हाई एंडेमिक बायोडाइवर्सिटी। गिव द टर्म फॉर द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर, अपने को एक टर्म्स का नाम बताना है जिसमें एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी की फॉर्मेट में अपन क्या कहेंगे। देखो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट या नॉमिनल एक्सचेंज रेट में से अपना आंसर होएगा, ये होगा नॉमिनल एक्सचेंज रेट अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको जैसे कि वैल्यू है जैसे INR जैसे कि 70 रुपये है, तो आप इसको वैल्यू बताओगे $1 है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है। लेकिन आप बताओगे इसके अंदर किसी का प्रभाव दिखा रहे, कौन सी करेंसी मजबूत है कौन सी करेंसी डाउन है, तो उसको आप बताओगे प्रभावीता या इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। द लेबर और वर्क फोर्स ऑफ ए कंट्री डज नॉट इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग, जो लेबर होती है या कोई भी देश होता है उसका लेबर या जो वर्क मजदूर वगैरह होते हैं किसको शामिल नहीं करते हैं, एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट को, सेल्फ एम्प्लॉयड को, अनएम्प्लॉयड को, या दो जॉब एज लेस देन 14 ईयर्स, तो जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है उनको शामिल नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और भारत के अंदर अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ये सब रूल्स बनाए गए कि 14 वर्ष से कम है उनको शामिल नहीं कर सकते। द टर्म ऑफ ट्रेड मेजर्स, ट्रेड मेजर्स का टर्म है किससे रिलेटेड है, तो ये होएगा रेशियो होएगा ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस टू इम्पोर्ट प्राइस, एक्सपोर्ट प्राइस और इम्पोर्ट प्राइस है उनका जो रेशियो होता है वो कहलाता है ट्रेड मेजर। ये था सेट GK का 4 नंबर सेट जो रेलवे ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चन। सर तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।